नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 23 अगस्त 2022 और यहां पे 24 अगस्त 2022 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं शेयर है उसके एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स हो जाते हैं जिस पर ये चारों इंडेक्स के एनालिसिस करते हैं और जरूरी भी है क्योंकि इसी चारों इंडेक्स से, फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल इंडेक्स से ही मार्केट में मूवमेंट आता है। तो चलिए शुरुआत करूंगा एक एक करके, लेकिन बता दूं कि अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर करिए, लाइव मार्केट कॉल के और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए, सेमको फायर स्लैश ब्लू एंजल 10 था किसी एक में मैं फिर आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी के फार्मा इंडेक्स से 12600 के आसपास। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था भाई, आपको ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे ट्रेडिंग होगा खराब हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से ये बाउंस आएगा। मैंने एरो पहले लगा रखे थे, चीजें हो रही है वैसे। अब कल अगर अपने हाई के ऊपर निकलता है 12725 के ऊपर तो वापस से रैली स्टार्ट होगा फार्मा में, जो कि 13000 तक लेके जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको सबसे पहले एस्ट्राजेनिका पे नजर रखना है दोस्तों, और एस्ट्राजेनिका अगर 3100 के ऊपर निकलता है तो बिल्कुल पोजिशन बनाइए 3200 के लिए। और विंडो फार्मा में भी अच्छी तेजी है लेकिन उस कदर नहीं जैसा कि होना चाहिए। देखिए अभी हमारे पास अरविंदो फार्मा पोजिशन बनाने का जगह नहीं है, 600 के ऊपर बढ़िया पोजिशन बनेगा 620 के लिए। बायोकॉन की तरफ चले तो देखिए 4 बार 5 बार का ये सपोर्ट एरिया था, पीछे भी इसी प्राइस पे सपोर्ट लिया था और आज देखिए वहीं से ये सपोर्ट ले रहा है। मैंने ये कह रहा है स्ट्रेंथ कि हमारे पास स्ट्रेंथ है लेकिन हमें कमजोर होंगे 300 के नीचे, 300 के नीचे निकले तो सेल करने में भी मत डरिए, और कल वापस अगर 309 से 310 को ब्रेक करता है तो बाय करने में भी मत डरिए 320 के टारगेट के इंट्राडे के लिए। सिप्ला बहुत ही शानदार तरीके से कल भी वापस, सिप्ला आप नजर रखिए 1050 के ऊपर जैसे ही सिप्ला निकलेगा आपको 1100 के टारगेट आते हुए दिख जाएंगे। आज शानदार रैली दिखाई दिया है सिप्ला में। डिवीज लैब की बात करते, डिवीज लैब कैसे करके गैप इसने जबरदस्त ब्रेकडाउन दिया, और मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बोला कि इसको नीचे के एरिया पर आना होगा। एक बार इस जगह पर अगर ये आ जाए 3450-3400 के आसपास तो फिर पोजीशन बनेगा, यहाँ पर हमारा सपोर्ट है वहां पर अभी छोड़ देंगे। डॉक्टर रेड्डी की तरफ चले तो देखिए डॉक्टर रेड्डी नीचे की तरफ अगर आ गया तो वेल एंड गुड, यहाँ पर पोजीशन बनेगा फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं अगर यहीं से बाउंस करता है और ऊपर 4250 को ब्रेक करे तो 4300-4350 के टारगेट। ग्लेनमार्क फार्मा सपोर्ट एरिया को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है ग्लेनमार्क फार्मा, ये बिल्कुल आप डरिए मत, इसके नीचे सेल कर दीजिए, अगर ये टूट जाता है तब आप डरिए मत, सेल कर दीजिए, और सेलिंग का लेवल 365 के नीचे 360-355 के इंट्राडे टारगेट के लिए। पोजीशन बाइंग करना चाहते हैं बिल्कुल करिएगा, यहाँ से होल्ड करके ऊपर भी जा सकता है लेकिन 380 के ऊपर या 77-78 के ऊपर लीजिएगा, 400 के टारगेट की तरफ फिर जाएगा। जनरल्स इंडिया अभी छोड़ देंगे, अवॉइड करके चलेंगे। डॉक्टर लाल पैथलेब की बात करें इसमें ले सकते हैं, अगर ये 2400-2525-2520 इसके ऊपर अगर ये निकले तो फिर आपको मूवमेंट बन सकता है डॉक्टर लाल पैथलेब में। ऊपर की साइड में 2520 से 30 के ऊपर ब्रेक करेगा 2600 के टारगेट बनेंगे। लूपिन की तरफ चले, देखिए लूपिन में ब्रेकआउट आ रहा है दोस्तों, ये आपको नजर रखना है लूपिन में जबरदस्त मूवमेंट। अगर लूपिन अपसाइड में 700 को कल ब्रेक करता है आपको एक अच्छा पोजीशन बनेगा 720 से 740 के टारगेट के लिए। लूपिन के अलावा दोस्तों नोवार्टिस की तरफ चले तो नोवार्टिस में नीचे आने देते इस एरिया के आसपास अगर आ जाए 694-695-97 देन पोजिशन बनेगा अपसाइड में, और अगर नहीं तो 742-745 के ऊपर पोजिशन बनाएंगे 755-760 के टारगेट के लिए। पिरामल देखिए अच्छा जगह पे, आप यहाँ पे भी पिरामल को बाय करके चल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर से बता दूं कोई भी पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है, मैं अब रिसर्च दिखा रहा हूं एनालिसिस करके कि भाई इस जगह पे अच्छी बाइंग बनेगी 1825 से 1830 के आसपास में अच्छी बाइंग बनती है, आजकल लो 1840 है, यहां पे भी आप बाय कर सकते हैं अपसाइड के टारगेट 2000 के लिए। अगर नीचे गिर जाता है 1790 के आसपास में क्वांटिटी एड किया जा सकता है। स्ट्राइस फार्मा कल अगर अपने हाई को ब्रेक कर दे 342-43-44 को तो आपको 355 से 60 तक के टारगेट बनेंगे। सन फार्मा की बात करें तो सन फार्मा ने अपने ट्रेंड लाइन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट किया है। आप भी देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था जो इसका सपोर्ट बन गया यहाँ पर, और उसी सपोर्ट एरिया को होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो कल अगर ये ब्रेक करता है ऊपर 892-93-94 को तो 900 तक के टारगेट बनेंगे। टोरेंट फार्मा की तरफ चले दोस्तों, टोरेंट फार्मा 1550 के ऊपर बाय करेंगे 1600 के टारगेट के लिए। वोकर फार्मा मैंने कहा बने रहिए, टेंशन नहीं लेना, वोकर में बने रहिए 262-264 के ऊपर अच्छा पोजीशन बने, 280 नीचे आता है 245 तक क्वांटिटी एड कर सकते हैं। जेड एस लाइफ इसमें भी बने रही, यहाँ से एरो लगा रखा है मैंने पहले ही, इसको ऊपर जाना चाहिए, जा रहा है, कोशिश कर रहा है, 390 के ऊपर जाएगा तो 400 तक के टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है जेड एस लाइफ, बेहतरीन ये आपको बड़े टारगेट बना के देगा। तो ये तो एक हो गया दोस्तों निफ्टी के फार्मा, चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ में, और आईटी में सबसे पहले आईटी इंडाइसेस की बात कर लें तो देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ आईटी इंडाइसेस, और आप जैसा आप देख रहे हैं डोजी बना के
ट्रेड करने की कोशिश करें। कल अगर आपने हाई को 29,200 को ब्रेक करता है तब ये 30,000 तक जा सकता है, देन आईटी में हो सकता है थोड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिले। बिरला सॉफ्ट पे नजर रखिए, अगर बिरला सॉफ्ट अपने हाई को ब्रेक करता है 322-324 को तो 330 का इंट्राडे टारगेट देगा। कोफोर्स बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है, 3725 से लेकर 3730 के ऊपर पोजिशन बनाइए 3800 के टारगेट के लिए। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें, अपसाइड में 1050-55-56 को ब्रेक करता है तो 1100 या 1075 तक का इंटरनेट टारगेट दिखाएगा। एसएल टेक्नोलॉजी डरना नहीं है बिल्कुल भी, अपसाइड में निकलने दीजिए 952-53 को, तो इंटरडे में टारगेट 970 का, पोजिशनली टारगेट 990 के ऊपर बनाएंगे तो फिर 1025 से 1050 का बनेगा। इन्फोसिस अपने हाई को ब्रेक कर दे 1555-56-57 को, देन 1595 तक के टारगेट दिखाएगा। इसको अवॉइड करके चलिए जस्ट डायल को, अगर नीचे ब्रेक करे तो सेल कर दीजिएगा, उसमें डरिएगा मत। एलएनटी इन्फोटेक थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी जाने देते हैं इसको। माइंटी की तरफ चले, माइंटी में भी पोजीशन कहाँ बनेगा, 3400 के ऊपर जब तक निकल जाता पोजीशन बनाइए, अदरवाइज सिर्फ कीप ऑन आइज रख सकते हैं। एम्फासिस की बात करें, एम्फासिस में इस बॉक्स के ऊपर वापस आने देते 2320 के ऊपर, तब 2400 के लिए पोजीशन बनेगा। नौकरी की बात करें, इन्फो एज की बात करें, इन्फो एज ने अपने इंपॉर्टेंट एरिया को ब्रेक डाउन करने का कोशिश किया, नीचे एक देखिए ट्रेड लाइन का सपोर्ट, अगर यहाँ पे आपको 4000 के आसपास मिलता है 4050 पर, देन पोजीशन अच्छा बनेगा 4200 के लिए। पेटीएम की बात करें तो मूवमेंट में कल भी पेटीएम ऐसे मूवमेंट में ऊपर के साइड गैप डाउन खुला था, फिर वहीं पर होल्ड कर गया था। कल अगर वापस से दोबारा कल 770 को ब्रेक करता है तो ये मेरा बाय एरिया है। पहले मैं हम लोगों का बाय एरिया मैंने आपको नीचे दिया था 560 के आसपास में, और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया 800 पर। अभी मेरा बाय एरिया दोबारा बन सकता है इस जगह पे 740 के आसपास, वहां पे आएगा फिर पोजीशन बनाएंगे, अभी नहीं। टाटा इलक्सी की तरफ चले दोस्तों, टाटा इलक्सी अगर ऊपर 9890 को ब्रेक करता है तब फिर 10,200 के टारगेट बनेगा। टीसीएस छोड़ देंगे अभी, ज्यादा ज्यादा 3350 के ऊपर 3400 के लिए, और सेल करना होगा तो 3260 के नीचे सेल करेंगे 3200 के लिए। टेक महिंद्रा पोजीशन बन सकता है, कल ये गैप अप खुलना चाहिए मेरे ख्याल से 1071-72-73 इसको ब्रेक करेगा तो 1100 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। टेक महिंद्रा विप्रो लॉन्ग टर्म रखिए, बायोन डिप करिए, क्वांटिटी अगर ऐड करना है तो करंट भाव पे भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन अगेन डिस्क्लेमर कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह पे बिल्कुल भी नहीं है। तो यह है दोस्तों निफ्टी का फार्मा के बाद आईटी पे व्यू, चलेंगे जरा मेटल सेक्टर की तरफ और मेटल में मेटल इंडेक्स। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए /blueangel1010 या सैमको किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। निफ्टी मेटल देखिए, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद स्ट्रेंथ दिखाया निफ्टी मेटल ने और अपसाइड में जाकर क्लोज किया, बहुत ही बेहतरीन। कल 5,810-20 के ऊपर निकलता है तो 5,900 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जहां पे मेटल में और भी मूवमेंट बन सकता है। तो अडानी इंटरप्राइजेस पर नजर रखिए, अपसाइड में 3,100 यानी 3100 के ऊपर निकले फिर से 3200 के टारगेट। एपीएल अपोलो पॉजिटिव व्यू बने रही है, कोई दिक्कत नहीं, करंट नीचे आ जाए 1000 के आसपास क्वांटिटी एड कर सकते हैं। कोल इंडिया अगर ऊपर के लेवल को ब्रेक कर देता है किसी भी कारण पर 225 के ऊपर तो 228-230 तक के टारगेट बनेंगे। हिंडालको बढ़िया स्टॉक है, खराब स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, और हिंडालको देखिए कितना जबरदस्त रेजिस्टेंस ले रहा है इसके ऊपर। यहाँ पर हमारा एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है 450 के आसपास, जिस दिन इसको ब्रेक कर गया 475-500 के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा हिंडालको। हिंदुस्तान जिंक कॉपर की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर अपसाइड में 115 ब्रेक करेगा, 118-120 का टारगेट। हिंदुस्तान जिंक की तरफ बढ़े, हिंदुस्तान जिंक में पोजीशन बना सकते हैं आप बिल्कुल, बनाइए डरिए नहीं। 285-86 के ऊपर 295 के टारगेट के लिए जिंदल स्टील अपसाइड में अगर 400 को ब्रेक करे तो नया पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील ये देखिए, अगर अपने हाई को ब्रेक करे तब पोजीशन 655 के ऊपर बनाएंगे, इंटरडे टारगेट 660-665 का बनेगा। मिश्र धातु निगम लिमिटेड बहुत ही शानदार 191-92 के ऊपर बाय करेंगे, 195-200 के टारगेट के लिए। मोइल की तरफ बढ़े दोस्तों, मोइल में पोजीशन हम दे सकते हैं 166-68 के ऊपर 170-72-74 के टारगेट के लिए। नेशनल एल्युमिनियम अगर अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है 75-76 को तो सेल करेंगे 74-73 के लिए, ऊपर बाय करेंगे 80 के ऊपर 82-83 के टारगेट के लिए। एनएमडीसी की तरफ चले दोस्तों, तो एनएमडीसी में पोजीशन बनाया जा सकता है 120 के ऊपर 122-24-26 के लिए। रत्नामणि मेटल्स देखिए 1750-1775 के ऊपर बाइंग करेंगे, 1800-1820 के लिए सेल की तरफ बढ़े, पोजीशन ले सकते हैं 80-81-82 के ऊपर, हालांकि हाई बनाया वहीं पे, लो अगर ब्रेक करता 70 को तो सेल करेंगे 75, लेकिन अभी फिलहाल मेटल में मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है तो आपको ये अपसाइड के ही मूवमेंट दिखा सकता है। टाटा स्टील गिरावट पे बाय करें, लॉन्ग टर्म के लिए बाल बच्चों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
होल्ड करके रखे वेदांता, बहुत ही शानदार तरीके से वेदांता 270 के ऊपर पोजिशन बनेगा, 280, 290 और 300 के लिए। ब्रिस्बेन कॉपी के ब्रेकआउट आ गया, ब्रिस्बेन कॉपी यही चाहिए, यही चाहिए, और ये शानदार तरीके से आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा। अगर आप साइड में कल दोबारा ब्रेक करता है 235-36 को 240-45-50 के टारगेट ब्रिस्बेन कॉर्प में भी मिल सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। फाइनेंशियल स्टॉक में बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करेंगे। बजाज फिनसर्व दोस्तों, बजाज फिनसर्व कल 16,500 पर बाइंग बनेगा, 16,700 से 16,800 के लिए। बजाज फाइनेंस की तरफ चले, बजाज फाइनेंस भी 7,250 से 55 के ऊपर निकलेगा तब बाइंग करेंगे 7,300-7,400 के टारगेट के लिए। चोला फाइनेंस की तरफ चले, चोला फाइनेंस अगर नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड में जा सकता है। कब? जब ये 775 को ब्रेक करता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर हम खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर ये 790-92 को ब्रेक करता है तो 800 के इंटरडे टारगेट के लिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस छोड़ देंगे, रिस्की ट्रेडर पोजीशन ऐड कर सकते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 400 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, 420 से 450 के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट। यहाँ पे मैंने कहा था भाई ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे क्वांटिटी, है ना। एलएनटी फाइनेंस की तरफ चले तो एलएनटी फाइनेंस वापस 10 लाइन के ऊपर 76 के ऊपर निकले तभी पोजीशन बनाइए, अदरवाइज मत बनाइएगा अभी, है ना। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल 76 ऊपर बनेगा तो 80 का टारगेट मिलेगा। मन्नापुरम फाइनेंस बायोडीप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही शानदार स्टॉक है। इसके नीचे अगर गिर गया तब कमजोर होगा, इसके नीचे यानी 96 के नीचे। एमएनएम फाइनेंस अपसाइड में 197 ब्रेक करेगा, टारगेट 200-205। मुथूट फाइनेंस सही है, 1060 के ऊपर निकले 1100 के टारगेट। एसआर ट्रांसपिन देखिए अपसाइड में 1370 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 1400 के टारगेट के लिए। इंट्राडे में ही आपको अगर मिल जाता है वो लेवल ब्रेक होगा तो आपको इंट्राडे में ही टारगेट दे देगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी का फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले, जहां पे लाइव मार्केटिंग कॉल मिलता है। साथ ही बता दूं आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए सैमको फायर सेल्स ब्लू एंजल 1 0 किसी एक में अकाउंट ओपन कराइए, मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।